मुसहरी टोला में बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति एक ही परिवार के 9 आदमी मेन रोड के किनारे सो रहे थे। ट्रक आ जाने के कारण अचानक उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि 7 अभी घायल है और एक का मृत्यु हो गया है। समस्या यही हुआ कि बाढ़ के पीड़ित का समय था, हम लोग रोड पर सोए हुए थे और अचानक गाड़ी जो है सब पर चढ़ा दिया। तो कब हुआ ऐसा? 28 तारीख दिसंबर में। तो क्या अभी तक कैसे आप इलाज किए? इलाज अभी चंदा लगा करके इलाज कर रहे थे हम। क्या सरकारी अधिकारी के पास गए थे? गए थे। क्या बोले वो लोग? बोला कि सर यहाँ बाढ़ पीड़ित का दबाव का मिलता है, यहाँ चांपने वाले को कुछ नहीं मिलता है। तो अभी तक सरकार तरफ से मुआवजा हमको कुछ नहीं मिला है। भागलपुर इलाज करे हैं, पटना इलाज करे हैं, कटिहार में इलाज करे हैं, कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला। दवाई के बिना हमारा बच्चा को घाव पाक कर दिया, दर्द से रह नहीं पाते हैं, पैसा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? आप क्या चाहते हैं दीदी? हम चाहते हैं कि हमको सरकार तरफ से कुछ सहयोग चाहिए, मुआवजा दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि पिंकी देवी के पूरे परिवार को सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन से मुआवजा मिलनी चाहिए, और इसके लिए मैं अंचल पदाधिकारी सी जी का नंबर है 94 31 24 0 190, इस नंबर पर कॉल करके इन पर दबाव बनाकर हमारी मदद करें, ताकि पिंकी देवी के परिवार को मुआवजा मिल सके और इनका इलाज पूरी तरह से हो सके। मैं नविता, गांव उचला, मुसहरी सीज टोला, जिला कटिहार, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।